न्यूज के सारे दर्शक ने रमा गोदारा की राम राम। सबसे पहला सुन लो खासम खास खबर। सीबीएसई 12वीं बोर्ड में दिल्ली के 98% बालक पास। कोरोना तय हालात होवेंगे वे और खराब। बरथल में गंदा पानी पीने मजबूर गांव वाले। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमत के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मार्च। ईब सुन लो पूरी खबर। मंगलवार ने सीबीएसई बोर्ड की 12वीं क्लास का रिजल्ट आ गया। 12वीं क्लास में दिल्ली के 98% बालक पास हुए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पास होने वाले बालका तक बधाई दी। केजरीवाल बोला अब सरकारी स्कूल का रिजल्ट प्राइवेट स्कूल तक बढ़िया आया है, जिस तब बेरा चालस है अक ईब सरकारी स्कूल में बालका की ताई सारी सुविधा है और मास्टर बढ़िया पढ़ावे हैं। केजरीवाल ने न्यू भी बताई अक जिन बालका का कंपार्टमेंट आया है उनकी ताई सरकार एक्स्ट्रा क्लास लगावेगी। 12वीं क्लास के नतीजे 98% आए हैं। 98% मुझे लगता है कि शायद भारत के 70 साल के इतिहास में किसी राज्य के सारे सरकारी स्कूलों के नतीजे मिला के 98% नहीं आए होंगे। प्राइवेट स्कूलों के 92.2% नतीजे हैं और सरकारी स्कूलों के 97.92% नतीजे हैं, जो कि पूरे देश में दिल्ली के सरकारी स्कूलों के सबसे अच्छे नतीजे हैं। जब कहते थे कि सरकारी स्कूल बहुत खराब होते हैं, एक जमाना था जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को कुछ लोग हीन भावना से देखते थे कि ये बच्चे कुछ नहीं कर सकते, इन बच्चों को कुछ नहीं आता। आज हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इन नतीजों से साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। आज नतीजों ने यह साबित कर दिया कि सरकारी स्कूलों के टीचर किसी से कम नहीं है, प्राइवेट स्कूल के टीचर से किसी मायने में कम नहीं है। 2% बच्चे जो हमारे या तो फेल हो गए या कंपार्टमेंट आई है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है मायूस मत होना, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, हम आपको पास करवाएंगे और मेरी उम्मीद है 98% रिजल्ट 100% हो जाएगा जब कंपार्टमेंट के और उसके नतीजे आएंगे। हमने बता दे सीबीएसई 10वीं क्लास का रिजल्ट बुधवार ने आवेगा। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ते जान लाग रहे हैं। कोरोना ने लेकर WHO ने एक बयान दिया है अब इब दुनिया में हालात और बत्ती बिगड़ेंगे। WHO ने चेतावनी दी है अब कोरोना तक जल्दी छुटकारा मिलना मुश्किल है और कई देश इस महामारी तक बचन की ताई ठीक डाल काम भी नहीं कर रहे। WHO का कहना है अक जिन देशों ने लॉकडाउन में ढील दी थी उन देशों में कोरोना फिर तेजी तक पांव पसारन लाग रहे हैं और जे टाइम रहते कड़े फैसले ना लिए ते हालात बदते बदतर हो जाएंगे। बरथल गांव में सीवर और पानी ने लेकर गांव वाले बहुत घने परेशान हो रहे हैं। गांव में कई जगह सीवर की लाइन रुकी पड़ी है और गंदा पानी रोड पर बहन लाग रहा है। प्रशासन आंख मुंदे सोन लाग रहे हैं। गांव वाले ने पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है। कई दशक पुरानी पानी की लाइन टूट रही है जिनमें सीवर का बदबूदार गंदा पानी मिक्स होकर लोगों के घर तक जान लाग रहा है। लोगों का कहना है अब कई बार इस बारे में दिल्ली जल बोर्ड में शिकायत कर ली और इलाके के विधायक BS जून तभी लिखित में दे ली अक ये पुरानी पाइपलाइन बदली करी जा पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। यहाँ गंदा पानी आ रहा लगातार एक महीने से। ये जो है लाइन बूस्टर से लेके पुरानी चौपाल तक, मेन बस स्टैंड से लेके पुरानी चौपाल तक जो जहां हम खड़े हैं, ये करीब 60 साल पुरानी सीमेंटेड पाइप लाइन है जिससे सप्लाई होता है बूस्टर का टूलों का पानी। उनमें भी ये सीवर लाइन दबी है तो बीच में सीमेंटेड लाइन के चैम्बरों के बीच से गुजरी हुई है। हमने कई दफा
क्षेत्रीय विधायक श्री बीएस जून से लिखित में भी दिया, अधिकारियों से, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से बताया, जिन्होंने आश्वासन दिया कि लाइन चेंज करेंगे, लेकिन 7 महीने गुजर गए, कोई लाइन चेंज नहीं हुई है। आज भी सीवर का पानी हमारे जल बोर्ड की पीने की टुटियों में आ रहा है, बहुत बुरा हाल है। गांव के बीच में नए पंचायत घर में उनको बुलाया था, लिख के दिया उनको, उन्होंने आश्वासन दिया था कि मैं 2-3 महीने में करवा दूंगा, लेकिन 6 महीने बीत चुके, कोई अभी तक कुछ काम नहीं हुआ। पीने की बड़ी किल्लत है, बीमारियां फैल रही हैं, पहले ही हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, ऊपर से ये सीवर का पानी, बड़ा बुरा हाल है जी। उनको कई बार रिटर्न लेटर भी लिखा है, पिछले डेढ़ एक महीने से हम लोग इस गंदे पानी से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 24 घंटे गंदा पानी आ रहा है, ना पानी पीने लायक है, ना नहाने लायक है, किसी भी तरीके से हम उसको यूज नहीं कर सकते, पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है हमारे यहाँ पे। मामले में जी इंडिया न्यूज के संपादक ललित सिंह गोदारा ने विधायक बीएस जून तक फोन पर बात करी, थम भी सुनो विधायक ने के जवाब दिया। पाइपलाइन तो चेंज हो नहीं सकती अभी, क्योंकि ना तो सरकार के पास पैसा है और बहुत मोटा काम है जी, तो इसका सीवर की सफाई करा के करा देंगे, और कल कंप्लेंट दी थी, आज भेज दी। अच्छा, तो ये कब तक हो जाएगा, मतलब इसमें कब तक, मतलब जैसे 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, कब तक ये सॉल्यूशन हो जाएगा कि भाई लोगों के घरों में आए तो थे सीवर वाले जी, कल आए हैं दिल्ली जल बोर्ड से लोग आए थे सीवर साफ करने वाले जी, तो वो शायद लेबर वेबर की प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आज कल में दोबारा आएंगे। विधायक बीएस जून पानी की लाइन बदलवाने तक कति साफ नाट गया, पर टेम्परेरी समाधान की बात जरूर कही, ईब देखो कद तक बरथल गांव में लोगों ने साफ पानी पीने मिलेगा। पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों के खिलाफ दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस ने बिजवासन विधानसभा के बागडोला गांव में एक मार्च निकाला। इस मार्च में रणविजय लोचो उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस, अजय यादव अध्यक्ष बिजवासन विधानसभा यूथ कांग्रेस, जयकरण महासचिव दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस, रेखा शर्मा और विनीत गोदारा तमाम कार्यकर्ता की गैल शामिल हुए। इस मार्च में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े करे और पेट्रोल डीजल की कीमत कम करने की मांग करी। हमारी मांग ये है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जहां कच्चे तेल की कीमतें दिन ब दिन घटे जा रही थी, यहां तक कि नेगेटिव में भी गई, लेकिन हमारे देश में इन कीमतों को दिन ब दिन बढ़ाया जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश है, जो गलवान घाटी में जो चाइना का इंक्रेशन है हमारी देश की भूमि पे, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं। कांग्रेस की सरकार थी तो ये चूड़ियां भेजा करते थे प्रधानमंत्री को, आज जब इनकी सरकार है और तेल के रेट नेगेटिव जा रखे हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसमें उसके बावजूद ये रेट बढ़ाने लग रहे हैं। दिल्ली सरकार भी अपना टैक्स बढ़ा रही है और सेंटर सरकार भी अपना टैक्स बढ़ाए जा रही है। 2014 से पहले जब कांग्रेस का समय था, तब लोगों को गुमराह किया जाता था कि कांग्रेस पैसा वसूल रही है, ऐठ रही है, महंगाई कर दी है, चूड़ियां भिजवाई जाती थी और जनता से वादा किया था कि 35-30 रुपए डीजल पेट्रोल के प्राइस किए जाएंगे, आप लोगों वोट दो, मौका दो। लेकिन उसके बाद देखा जाता है कि कांग्रेस की सरकार जाने के बाद बीजेपी सरकार लोगों को पागल बना रही है, गुमराह कर रही है। वही पेट्रोल डीजल के दाम जो उस टाइम पे 55 रुपया हुआ करता, वो महंगा लगता था बीजेपी को, आज वो 80 रुपए क्रॉस कर चुका है, फिर भी लोगों को ठगा जा रहा है। महंगाई बिल्कुल कम नहीं हो रही, दिन पे दिन ऊपर बढ़ती जा रही है। कोरोना काल में नौकरी नहीं है, किसी के पास पैसा नहीं है, खाने के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, लेकिन दिन पे दिन महंगाई, फ्रूट सब्जी दूध केले चढ़े, सब कुछ महंगा कर दिया गया है। आज की खबर में बस इतना ही, जत्थम भी अपने पास पड़ोस की कोई खबर जी इंडिया न्यूज तक पहुंचाना चाहो हो तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213938661 पर फोन कर सको हो या 8010444066 पर व्हाट्सएप कर सको हो। देश दुनिया की तमाम खबर हरियाणवी बोली में सुनन खातर तम देखते रहो जी इंडिया न्यूज। सारे दर्शकों ने रमा गोदारा की राम राम। Thank you.